हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं, और ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछे गए और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अगर आप लोग राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, क्योंकि ये पेपर LDC एग्ज़ाम 2018 16 सितंबर 2018 को हुआ था, और इसी पेपर के अंदर ये सारे राजस्थान जीके के प्रश्न आए हुए और आगे भी रिपीट हो रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रीवियस ईयर के जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं वो मैं लेके आऊँगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और साथ में आप लोग भी आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किन जिलों को शामिल किया गया है? तो अलवर, भरतपुर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान है वो किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत को। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात थर्ड की हम बात करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन था? तो ऑप्शन सी, अलवर जिले में 2015-16 में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन हुआ है। 5 की हम बात करेंगे, नमदा का उत्पादन कौन से ज़िले में होता है? नमदा का जो उत्पादन है वो होता है टोंक में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई है? राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से चालू की गई है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, 2015-16 से। 7 की हम बात करेंगे, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का जो प्रोजेक्ट है एम पावर, वो किसके द्वारा जो है कार्यशील किया गया है? तो 7 का उत्तर हो जाएगा डी, IFAD के द्वारा ये जो है क्रियान्वित किया गया है। 8 की हम बात करेंगे, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? सीमेंट के जो उत्पादन में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कच्चा जो माल है वो क्या है? तो ऑप्शन ए, चूने का पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ पर है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कौन सी जगह पे है? तो 9 का सी हो जाएगा, देवारी में। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? राजस्थान के अंदर देखिए 2018 का क्वेश्चन पेपर है, उसके अनुसार जो है कुल आबादी जो है उसका कितना प्रतिशत वहाँ पर विद्युत पहुँच चुकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100%। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे, काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम क्या है? और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बन चुका है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे, राजस्थान के कोटा और बारां जिला में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य जो है का प्रकार है, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 13वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, टाई एवं डाई। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया, 14 का ऑप्शन है, प्राथमिक क्षेत्र में।
क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे, निम्न शहरों के राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालय के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जिला दिया गया है, दूसरी तरफ जो सरकारी विभाग या कार्य दिया गया है, तो इसका मिलान यहाँ पे करना है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का हो जाएगा सेकंड, और बी का हो जाएगा एक, और सी का 4 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, निम्न में से किस बोली पे मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस बोली पे है? 16वीं का हो जाएगा सी, वागड़ी। 17 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ध्रुपद ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 18 की हम बात करेंगे, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण रूप से प्रचार किया था? तो 18वें का हो जाएगा डी, शेख हमीदुद्दीन, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। 19 की हम बात करेंगे, कुमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडन। 20 की हम बात करेंगे, 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पे हुआ? इजी क्वेश्चन है और ये भी कई बार पूछा गया है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कब और कहाँ पे हुआ था? 28 मई 1857, नसीराबाद। 21 की हम बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की गई? परोपकारिणी सभा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी मानी जाती है? जोधपुर का जो महामंदिर है बहुत फेमस है, और राजस्थान के कौन से संप्रदाय की मुख्य पीठ या मुख्य गद्दी मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय। 23 शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? शीश फूल। 23 ऑप्शन ए, शीश से हो गया सिर, ऑप्शन ए। 24 की हम बात करेंगे, राजस्थान में निम्न से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता? कौन सा त्यौहार जो है श्रावण मास में नहीं आता? इन चारों में से आपको बताना है। जन्माष्टमी नहीं आती, ऑप्शन डी उत्तर रहेगा। 25 की हम बात करेंगे, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्न में नस्लों में से किसके लिए फेमस है? तेजाजी का पशु मेला जो कि नागौर में लगता है, कौन सी नस्लों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस लगता है ये? 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नागौर गाय। 26 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। 26 पार्वती नहीं है, बाकी सारी है, तो पार्वती उत्तर हो जाएगा। 27 की हम बात करेंगे, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता भी पूछा जाता है, तो 27 का जो है ग्रामीण लिंगानुपात 2011 के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, 953। 28 नंबर क्वेश्चन डिलीट हो चुका है ऑप्शन की वजह से। 29 की हम बात करेंगे, वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन ए। 30 की हम बात करेंगे, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र, तो चूरू में सबसे कम वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, 31 की बात करते हैं, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी? तो ऑप्शन बी सिरोजैसम, ऑप्शन बी उत्तर रहेगा 31 का, सॉरी सिरोजैम्स। 32 की हम बात करेंगे, राजस्थान में 100 टापों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? 100 टापों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी बांसवाड़ा को।
33 की बात करेंगे, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देखना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही उत्तर दे पाते हैं। 33 का आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा उत्तर देने की, कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, चंबल, लूनी, बनास या यमुना, कमेंट में कोशिश कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कर लेना, राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।